प्यारे बच्चों नमस्कार। एमबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या ऐप के माध्यम से आपको जो वीडियो लेक्चर्स जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा लेटर राइटिंग के बारे में। हम लेटर्स के बारे में बात करेंगे, चाहे बात CBSE की हो या HBSE की। ये दो क्वेश्चंस, ये दोनों बोर्ड में क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे लेटर्स राइटिंग से। तो अगर इनके नंबर की बात की जाए तो 5 नंबर में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है लेटर राइटिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी ऑर्डर को लेकर। आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना है, सबसे पहले हम सीखेंगे किसी ऑर्डर को प्लेस करना। ऑर्डर को किस तरीके से प्लेस किया जाएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो लेटर्स आप कह सकते हैं वो हो सकते हैं आपके बिजनेस लेटर्स, वो हो सकते हैं आपके बिजनेस लेटर्स। नंबर 2 आपके हो सकते हैं ऑफिशियल लेटर्स, ये फिर वो हो सकते हैं पर्सनल लेटर्स। दोनों बोर्ड में ये तीनों टाइप्स के जो लेटर्स हैं वो कवर किए जाते हैं। बिजनेस लेटर्स हो सकता है, ऑफिशियल लेटर्स हो सकता है, या फिर आपका पर्सनल लेटर्स हो सकता है। कुछ एप्लीकेशंस भी आपके आपसे पूछी जा सकती हैं। एप्लीकेशन भी आप के पेपर में देखने को मिलेगी कि एप्लीकेशन भी आपको आ सकती है, जैसे एप्लीकेशन फॉर रोड सेफ्टी और रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी को लेकर के आपसे एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, या आप इसको ये कह लीजिए कि लेटर्स हो या कोई भी जो रोड सेफ्टी के लिए लिखा जाता है। ये क्वेश्चंस आपके दोनों बोर्ड में कवर किए जाएंगे 10th क्लास में। 10th क्लास के अंदर लेटर्स राइटिंग के सेक्शन में ये सारे के सारे लेटर्स या एप्लीकेशंस कवर किए जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या है ये लेटर्स राइटिंग की बात है। लेटर राइटिंग में क्या है, CBSE या फिर HBSE दोनों बोर्ड के लिए 10th क्लास की बात कर रहे हैं। बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स और पर्सनल लेटर्स कवर किए जाते हैं। एप्लीकेशंस और लेटर्स हो सकते हैं आपके फॉर रोड सेफ्टी, यह हो सकता है कोई भी ऑर्डर आपने प्लेस करना हो, ऑर्डर आपने कैंसिल करना हो, आपने ऑर्डर को आपने रिप्लेसमेंट करना हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट को समझेंगे, उस फॉर्मेट के बाद फॉर्मेट समझने के बाद हम उसको अपने क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे कि कितने हमारे पास पार्ट्स रहते हैं, कितने हमारे पास एक लेटर्स के अंदर कितने सेक्शंस रहते हैं, हमने उनको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से नहीं लिखना है। तो समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्लेस एन ऑर्डर। हमारे पास सबसे पहले आता है क्वेश्चन प्लेस एन ऑर्डर कि आपने कोई ऑर्डर आपने प्लेस करना है। तो ऐसे ऑर्डर को प्लेस करने वाले जो लेटर्स हैं वो किस तरीके से बनेंगे, या इनका जो फॉर्मेट है या और लेटर्स का फॉर्मेट कैसे रहता है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यूज कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए आपके पास ये आपका
आपका रजिस्टर है, आपकी नोटबुक है, आपकी कॉपी है। तो पहले सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, हम क्या यूज करेंगे, हम एड्रेस हम लिखेंगे। सबसे पहले यूज करेंगे हम एड्रेस। एड्रेस क्या होगा, सबसे पहले यूज करना है आपने सेंडर्स एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस आपने यहाँ पर मेंशन करना है, सेंडर एड्रेस। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप डेट को मेंशन करेंगे, आपने डेट मेंशन कर दी। थर्ड नंबर पर क्या रहेगा, थर्ड नंबर पर आपका रहेगा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस सेंडर्स एड्रेस रहेगा सबसे पहले, उसके बाद डेट रहेगा, रिसीवर एड्रेस रहेगा। फोर्थ नंबर पर आपने क्या यूज करना है, फोर्थ नंबर पर रहेगा आपका सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट आपने यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने क्या यूज करना है, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में डियर सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, आपने ये सभी यूज करने हैं। सिक्स्थ नंबर पर आपने क्या यूज करना है, आपने जो भी आपका आंसर है, जो आपका आंसर है, या आप इसको कह सकते हैं आपका आंसर, आप लिख सकते हैं यहां पर, ये जो आपका आंसर है, यानी कि ये जो कंप्लीट है, ये बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि जो कंप्लीट एड्रेस है, सॉरी जो कंप्लीट आंसर है आपका, आपने वो इसको इस सिक्स्थ नंबर पर आपने लिखना है। सेवंथ नंबर पर आपका क्या रहेगा, सेवंथ नंबर पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपने यूज करना है। सेवंथ नंबर पर आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लोग लिख सकते हैं जैसे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, ये कोई भी एक दो सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा ना, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ मैं कि हम किस फॉर्मेट को यूज करेंगे। इसके बाद में आप लोग लिखेंगे यूएस, अगर लेटर आपका, अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आप यू ओबीडियंटली, फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली, ठीक है, तो आप ये सारे शब्द यूज करेंगे। दोबारा समझ लीजिएगा क्या है, हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं एड्रेस को, इसको यूज करेंगे हम एड्रेस। एड्रेस के बाद गैप, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते हैं, और इस डेट के बाद हम रिसीवर एड्रेस को लिखते हैं। दो एड्रेस आपने बनाना है, सबसे पहले आपने एड्रेस बनाना है सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका सैल्यूटेशन रहेगा, सैल्यूटेशन के बाद क्या करेंगे आप आंसर का यूज करेंगे, जो आपका बॉडी ऑफ लेटर है, आपका कंप्लीट आपका आंसर है, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, और आप उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को आप यहाँ पर बंद कर देते हैं, यानी कि अपने लेटर को खत्म कर देते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल, साधारण और एक क्लियर सा आपके सामने फॉर्मेट है। ये कोई नंबरिंग आपने नहीं डाली, ये सिर्फ नंबरिंग, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, आप कोई नंबरिंग नहीं यूज करेंगे, कोई भी नंबरिंग आपने यूज नहीं करनी। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन से किस तरीके से बना है, और एग्जामिनर या एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से आता है, वो सारा फॉर्मेट मैं आपको बना करें। तो आप लोग फिलहाल के लिए इतनी सभी बातों को लिख लेंगे, एक बार अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चंस रहता है हमें उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करना है, और रीड करने के साथ साथ क्या है, हमने जितना भी एड्रेस वगैरह वहाँ पर दे रखा है हमने उस एड्रेस को हमें उठा लेना है, और हमने उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन को बनाना है, अपने आंसर को बनाना है। तो मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अपने आंसर को फिर अपने फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, placing an order, placing an order for some books for some books you urgently need. You urgently need. You may sign yourself as Rajeshwari of 151 Kachigura। जो भी एड्रेस दे रखा है हमने उसको ऐसे कैसे ही लिख लेना है, क्रॉसिंग 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 क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को रीड करना ही सबसे पहले जरूरी होता है हमारे लिए, और इसी के अंदर वो सारी बातें हमने देखनी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट अ लेटर, आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है आपने, आपने लिखना है टू एनएस आजाद हिंद बुक स्टोर्स। ये कहाँ पर है, ये है कोर्ट रोड में। कोर्ट रोड कहाँ पर है, बेंगलुरु में। एक एड्रेस हमने ये हो गया कि हमें एक क्या करना है, हमने एक लेटर लिखना है। लेटर हमने किसको लिखना है, हमने लिखना है एम एस आजाद हिंद बुक स्टोर्स को, जो कोर्ट रोड बेंगलुरु में। आपने करना क्या है, आपने करना है प्लेस एन ऑर्डर, आपने ऑर्डर प्लेस करना है किसके लिए, फॉर सम बुक्स। ये स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, जिसकी आपको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको नीड है। आप कौन है, आप अपने आपको साइन करेंगे, आप अपने आपको मानेंगे कि आपका नाम क्या है, राजेश्वरी है। आप 151 कच्ची गुड़ा क्रॉसिंग्स पे आप रहते हैं, जो कि हैदराबाद। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको फॉर्मेट जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया है, कि हमने सबसे पहले एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस जो भेजने वाला है, जो लिखने वाला है उसका एड्रेस आपने मेंशन करना है, उसके बाद आपने डेट डालनी है, डेट डालने के बाद आपने रिसीवर जिसके पास ये लेटर जाएगा आपने उसको उसका एड्रेस लिखना है, फिर आपने क्या करना है उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपने सैल्यूटेशंस करना है, सैल्यूटेशंस के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने स्पेंसर को बना लेना है। तो
देखिए हम कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेरे पास जो एड्रेस है, तो दो एड्रेस मेरे पास आए हैं। एक तो मेरे को लिखना है MS आजाद हिंद बुक स्टोर, और मैं कौन हूँ, इन्होंने बोला है यू मे साइन योरसेल्फ, यू मे साइन योरसेल्फ एज राजेश भाई। अब आपका एड्रेस क्या होगा, राजेश भाई ऑफ 1-2 कच्ची गुड़ा क्रॉसिंग। तो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट एड्रेस से। यहाँ पर हम इसको इस मार्जिन पे रखेंगे, हमेशा हम इसको फर्स्ट मार्जिन पे यहाँ रखेंगे। पहला एड्रेस हमारा यहाँ पर बनेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 151 कच्ची गुड़ा क्रॉसिंग, कच्ची गुड़ा क्रॉसिंग हैदराबाद। ये एक एड्रेस है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेट को मेंशन करना है। डेट में आपने DATE ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस देंगे, गैप देंगे, आप लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं 6 June 2020, आप इसको गैप मेंटेन करेंगे। आप यहाँ उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट एड्रेस आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेकंड एड्रेस, ये आपका एड्रेस है। अब आप लेटर लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, वो इसके बिल्कुल जस्ट नीचे आएगा, ये फर्स्ट एड्रेस है, यहाँ पर आपका कंप्लीट है। तो मैं साफ कर दूँ इसको, देखिए 151 कच्ची गुड़ा क्रॉसिंग हैदराबाद 6 June 2020। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके इस क्वेश्चंस में से ही मैंने अपना एड्रेस पिक किया और मैंने वो लिख दिया। मैंने डेट डाल दी, डेट इस क्या है, मैंने थोड़ा सा उसके अंदर गैप स्पेस को मेंटेन किया। अब मैं लिखूंगा सेकंड एड्रेस, जिसको मैंने लेटर लिखना है। लेटर लिखना है MS आजाद हिंद बुकस्टोर्स। ये मेरा सेकंड एड्रेस बुकस्टोर्स। अब ये कहाँ पे है, ये है गोल्ड रोड में। ये कहाँ पर है, ये है गोल्ड रोड में। गोल्ड रोड कहाँ पर है, इन्होंने दे रखा है बैंगलोर। ये मेरा सेकंड एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस हो गया मेरा, सेकंड एड्रेस हो गया। सेकंड एड्रेस के बाद क्या है, मैंने भी इसमें डेट डाला था, फर्स्ट एड्रेस सेकंड एड्रेस मेरा कंप्लीट हो गया। ये मैंने लिख दिया MS आजाद हिंद बुक स्टोर्स कोर्ट रोड बेंगलोर, कोर्ट रोड बेंगलोर। ये अंडरलाइन वगैरह नहीं करना स्टूडेंट्स, मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, कभी आप इसको अंडरलाइन करते हो। और कोई नंबरिंग भी नहीं ना, ये सारा का सारा इस मार्जिन पर चलेगा सारा का सारा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं कि मैं इस एड्रेस पर लेटर क्यों लिख रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा पर्पस क्या है उसको लेटर लिखने का। देखिए सब्जेक्ट हमने बनाना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है कि हमने क्या करना है, प्लेसिंग एंड ऑर्डर, ठीक है, प्लेसिंग एंड ऑर्डर। तो आप लिख रहे हैं यहां पर ऑर्डर कर रहे हैं, आप प्लेस कर रहे हैं एक ऑर्डर किसके लिए, ऑर्डर फॉर सम बुक्स, ऑर्डर फॉर सम बुक्स। आपका सब्जेक्ट ये है कि आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं किसके लिए, आप उस बुक्स के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप और बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ऑर्डर फॉर सम बुक्स, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद सेलिब्रेशन आता है हमारा, तो सेलिब्रेशन में आप लिखेंगे डियर सर। MS आजाद हिंद बुक स्टोर से लिखा है, तो MS यानी कि मैसर्स को आप लिख सकते हैं सर्स, डियर सर्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने अपने आंसर को लिखना है, यानी कि लेटर्स ऑफ बॉडी कंप्लीट आंसर को हमने लिखना है इस फॉर्मेट में। तो यहाँ तक क्लियर है, अब यहाँ पर लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे आई नीड सम बुक्स
सकता है कि ये सिर्फ आपको जरूरत हो तो आपने आईडिया लिखा, ये हो सकता है कि आपको जरूरत ना हो करके ये जरूरत है किसको भी हो। We need some books for 10th class. हो सकता है कि आपने 10th क्लास के लिए आपने यूज किया है कि आपको कुछ बुक्स आपको 10th क्लास के लिए जरूरी है, आपको उनकी आवश्यकता है। तो ये हो सकता है कि इधर ये 10th क्लास ना रहकर कि ये हो सकता है लाइब्रेरी, कि आपको लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स की आपको जरूरत है। तो आप लिख सकते हैं आई नीड सम बुक्स फॉर लाइब्रेरी। 10th क्लास को काट के आप लिख सकते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अलावा भी आप लिख सकते हैं कि आपको घर के लिए जरूरत है, आपको ऑफिस के लिए कुछ बुक्स की जरूरत है। तो जैसा भी आपसे पूछा जाए, जैसे जैसे क्वेश्चंस में हो, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा प्लेसिंग एन ऑर्डर और सम बुक्स यू अर्जेंटली नीड, ये सिर्फ आपको ही जरूरत है। इन्होंने लिखा है आई नीड सम बुक्स फॉर 10th क्लास, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, ये आपने एक बात इनको बता दी, आगे लिखेंगे यूर गुड सेल्फ, योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड इज रिक्वेस्टेड टू सेंड मी टू सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स। अब आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए है वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे, फॉलोइंग बुक्स एज अर्ली पॉसिबल, as early as possible. देखिए सिर्फ दो लाइनें लिखनी है आपने, आई नीड सम बुक्स फॉर 10th क्लास, ये 10th क्लास के लिए चाह हो सकती है, आपको मंगवानी है, आपको लाइब्रेरी के लिए आपको हो सकती हो, कि किसी के लिए हो सकती है। तो योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड, कि आपको क्या किया जाता है कि आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इनको जो फॉलोइंग बुक्स है आप जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी पहुंचा दीजिए, ठीक है, उतना जल्दी आप पहुंचा दीजिए। तो ये अपनी लाइन लिखने के बाद क्या है, अब आपने एक टेबल बनानी है, ये आप टेबल बना सकते हैं, आप इसको और उसे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, send these
please pack the books properly and send these an early date. ये आप उसको उस डेट पर आप पहुंचाते हैं, ठीक है? ये लाइन लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे thanking you. आप लिख सकते हैं yours faithfully. इसके बिल्कुल जस्ट नीचे इधर स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ your faithfully. आपका नाम क्या है? आपका नाम है क्योंकि आपने बोला you may sign yourself as Rajesh Goel, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख देंगे Rajesh Goel. तो dear students, ये था एक आपका letter place and order placing एक letter जो आपने लिखा है इस तरीके से. उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. तो second question, जब second lecture होगा तो second लेक्चर में मैं आपको और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि हम और कितनी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, कितनी चीज़ें हम इसके अंदर और समझ सकते हैं. तो आज के इस सेशन में इतना ही. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम आपको लेटर्स के और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको बताएंगे. तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.